हाय व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमर अपडेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम में ट्राई करने वाले हैं वो सारे मिथ्स जो आप सभी ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताए हैं। भाई आप सभी के काफी बढ़िया बढ़िया मिथ्स मुझे आए हैं, तो चलो आज हम वो सारे के सारे एक्सप्लोर करके देखेंगे कि कौन सा मिथ्स कैसे वर्क करता है या फिर नहीं करता, या फिर वो बस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो ये वीडियो में मैं आपको बस यही बताने वाला हूँ। सो वीडियो इंटरेस्टिंग है इसलिए वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना, और चैनल पर आप सभी लोग नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो लाऊं ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और हाँ आप लोग मुझे मिथ्स जरूर कॉमेंट करना। चलो हम अपने पहले मिथ्स की ओर बढ़ते हैं जो कि हमें कॉमेंट सेक्शन में आया हुआ है। मुझसे एक भाई ने पूछा कि अगर हम डायनासोर को ब्लू एंड रेड के पास लाए और फिर उसके सर पर स्टिकी बॉम्ब फेंक तो वो उसके सर पर नहीं होगा, तो चलो अब हम ये ट्राई कर लेते हैं। तो भाई हमारी पार्टी मजबूत होके हमारे पीछे आ चुकी है, मतलब डायनासोर जस्ट हमारे पीछे है एंड मेगा रैंप आप देख ही सकते हो हमारे सामने है। तो हमें क्या करना है, इस मेगा रैंप के ऊपर चढ़ जाना है एंड हमारा जो डायनासोर है बेसिकली वह हमारे पीछे जरूर आएगा। तो हम इस मेगा रैंप के ऊपर चढ़ जाते हैं। सबसे पहले मैं मेगा रैंप के ऊपर आ चुका हूं, ठीक है। अब यहां पर मुझे अपनी कार को बाइक को पार्क करना होगा, मैंने यहां पर पार्क कर दिया। अब देखो जो हमारा ये जो टीरेक्स आया था ना वो नीचे अंदर मतलब इसके अंदर जा चुका है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना जो भी सिस्टम है वो कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पर देखो ये डायनासोर आ गया भाई, ये तो फिर से अंदर घुस गया। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा और नीचे जाता हूँ और देख लेता हूँ डायनासोर निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। आई थिंक वो निकल आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा ज़्यादा नीचे चला जाऊँगा तो वो मार भी देगा हमें। देखते हैं भाई, भाई डायनासोर तो निकल आया। देखो यहाँ पर ये रहा डायनासोर, इसके सर पर हम खड़े हुए हैं भाई। यहाँ पर ये देखो ये अच्छे से निकल के आ चुका है, अभी भी नहीं निकला। थोड़ा और मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा नीचे आता हूँ भाई, देखो यहाँ पर ये अच्छे से निकल चुका है। अब मैं एक काम करूँगा, इसके ऊपर स्टिकी बॉम्ब फेंकूँगा। क्या इसके सर पर अगर जो हम स्टिकी बॉम्ब फेंकते हैं तो वो इसके सर पर रुकता है या फिर नहीं रुकता? भाई मैं इधर से फेंक कर देख लेता हूँ। देखो यार इधर से तो रुक रहे हैं, मतलब ये वाले स्टिकी बॉम्ब रुक जा रहे हैं। एंड अब मैं इसके सामने से आके देख लेता हूँ, सर के ऊपर फेंकता हूँ। देखो भाई नहीं रुक रहा भाई, कुछ रुक रहे हैं यार और कुछ नहीं रुक रहे हैं। तो मतलब ये मिथ जो है आधा कंफर्म है और आधा बस्ट है। आई थिंक मतलब ये वाला मिथ 100% वर्क तो नहीं करता, लेकिन हाँ भाई कर रहा है। देखो यार इसके सर के अंदर फेंकोगे तो ये वाला मिथ काम करेगा। आई थिंक ये वाला मिथ 100% कंफर्म है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। तो भाई पूछते हैं, एक कार को स्पॉन करो किसी गन से फायर करते हुए, कार में बैठ जाओ, गन चल रही होनी चाहिए, कार में बैठने से पहले फिर किसी गन से एक बार फायर करो, गन अपने आप चलेगी। चलो हम ये मिथ भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी को स्पॉन करा लिया है एंड यहाँ पर मैं AKM से जस्ट फायर करने लगा हूँ, ठीक है। मैं बाहर फायर कर रहा हूँ, कार के अंदर फायर नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही कार के अंदर एंटर करने वाला डोर आएगा, मैं जैसे उस पर हाथ रखूंगा एंड देखूंगा भाई यहाँ पर तो फायरिंग बंद हो चुकी है। एंड अगर जो हम इसके अंदर से बाहर निकलेंगे तो क्या यार गन फायर होती रहेगी? चलो हम ये भी ट्राई कर लेते हैं। भाई ये रेड रेड क्या बन के आ रहा है, मतलब ये वाली गन भाई देखो फायर हो रही है, ऑटोमेटिक ही फायर हो रही है। यहाँ पर हमारी AKM मतलब हैक हो चुकी है, मतलब ये वाला मिथ वर्क करता है। और भाई ने पूछा कि रैंडमली आप कोई भी गन अगर जो यूज कर लोगे तो वहां पर भी ये वर्क करेगा? तो हम चलो सारी गन को ट्राई कर लेते हैं। यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पर इसी को ट्राई कर ले रहा हूं। देखो इसमें तो हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा। फिलहाल हम ये वाली गन ट्राई करते हैं। भाई जूम करा, देखो ऑटोमेटिक भाई गोली मार रहा है यहां पे। तो स्नाइपर में ये तो हो रहा है एंड हम यहां पर RPG में भी चेक कर ले रहे हैं। भाई RPG में भी ये वर्क कर रहा है, मतलब भाई ने जो तरीका बताया वो बेटर है, अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी एक गन और बची हुई है, हाँ हम वो भी ट्राई कर लेते हैं, छोटी वाली गन को। भाई ये वर्क करता है, आई थिंक ये जो मिथ है वो कंफर्म है। चलो हम नेक्स्ट मिथ की ओर बढ़ते हैं। नाइट मोड में जुरासिक पार्क के सामने पहाड़ होता है, उस पे जाओगे तो भूत देखने को मिलेगा। ओ भाई क्या ये सच है? चलो हम ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले आना होगा उस जुरासिक पार्क के पास में। तो अभी मैं ट्रेन के पास आ चुका हूँ, ट्रेन एंड जुरासिक पार्क दोनों सामने हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नाइट मोड का कोड डालना होगा।
होगा। मैंने यहाँ पर नाइट मोड कर दिया, आप मुझे रैंडमली एक कार या फिर एक बाइक स्पॉन करानी होगी तो मैं यहाँ पर एक कार को स्पॉन कराऊंगा, ठीक है। सो गाइस अभी मैंने लैम्बोर्गिनी को स्पॉन करा लिया है, अब इसके अंदर बैठ के हम जाएंगे जो हमारे जुरासिक पार्क के जस्ट सामने ही जो पहाड़ मिलता है ना बहुत बड़ा सा, हम वहां पर जाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी लाइट भी ऑन कर ली है, मतलब सामने कुछ आ ना जाए, मतलब यार ये तो एक गेम है, इसके अंदर क्या आएगा। फिलहाल वहां पर कोडिंग वर्क किया गया है, हम इस पहाड़ की बात कर रहे थे तो फिलहाल हम इस पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं, पहाड़ के ऊपर हम चढ़ चुके हैं, ठीक है, हम यहाँ पे आ चुके हैं। एंड भाई हमें तो कहीं भूत देखने को मिल नहीं रहा है, और भाई हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। भाई देखो यहाँ पर हमें कोई पहाड़ पर भूत नहीं देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला मिथ जो है वो 100% बस्ट है। आपने जो मिथ बताया वो कंफर्म नहीं है, आई थिंक अभी आपको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तब आपका मिथ जो है वो कंफर्म हो पाएगा, थोड़ा अच्छे कमेंट करा करो। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। सो नेक्स्ट मिथ में हमसे भाई पूछते हैं कि अगर हम हेलीकॉप्टर के ऊपर दो बाइक स्पॉन करते हैं तो फिर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, टेक माई मिथ। चलो हम यहाँ पर ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो भाई ने कहा कि एक हेलीकॉप्टर को हमें स्पॉन कराना है, ठीक है, मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर को स्पॉन करा लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेलीकॉप्टर को स्पॉन करा लिया है, अब हमें इसके ऊपर भी दो बाइक स्पॉन करानी है। तो आप रैंडमली कोई भी बाइक स्पॉन करा लेना, मैं यहाँ पर अपनी ड्यूक 1290 को स्पॉन करा लेता हूँ, फिर से मैं एक काम करूँगा इसी बाइक को फिर से स्पॉन करा लूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से इसे स्पॉन करा लेता हूँ। एंड इसके बाद अब दो बाइक हो चुकी है ना, अब हमें ये वाला हेलीकॉप्टर को उड़ा के चेक करना है क्या ये मिथ कन्फर्म है या फिर बस्ट है, ठीक है, हम इसे उड़ाने का ट्राई करते हैं। तो भाई हेलीकॉप्टर कहाँ गया, ये रहा हेलीकॉप्टर, भाई हम इसे उड़ाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पंखे तो चलने लगे बट हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये वाला मिथ भी कंफर्म है। भाई ने जो मिथ हमें बताया वो 100% वर्क करता है। भाई जैसे ही दोनों बाइक नीचे गिर गए, देखो हमारा हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ने लगा, मतलब ये मिथ भी कंफर्म है। अब चलो हम नेक्स्ट मिथ की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मिथ में पूछा है भाई ने, एक क्वेश्चन करा है कि क्या हम घोड़े को मार सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस, हम घोड़े को मार सकते हैं, बट मैं आपको एक विजुअल सीन दिखाऊंगा, मतलब प्रैक्टिकल के तौर पे दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने पर एक हॉर्स को स्पॉन कराया, अब हमें इसे मारना है। तो मैं यहां पर अपनी AKM ले लेता हूं और इसे मारना शुरू करता हूं। मैंने जैसे इसे 5 से 6 गोलियां मारी, भाई ये मर गया, मतलब कि ये तो कंफर्म है कि ये वाला जो हॉर्स है वो मर जाता है। तो आपका क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो हॉर्स है वो मर भी जाता है गेम के अंदर, और थोड़ी देर के बाद ये हॉर्स गायब भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। अभी चलो नेक्स्ट मिथ की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मिथ में भाई पूछते हैं कि अगर आप कोई भी गाड़ी को तोड़ोगे तो कलर चेंज के साथ उसके टूटे हुए पार्ट का भी कलर चेंज होगा, तो हम चलो ये भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक कार स्पॉन करानी होगी, तो मैं यहाँ पर अपनी जो स्कॉर्पियो क्लासिक है ना उसे स्पॉन करा लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्पॉन करा लिया है। अब हमें इसे तोड़ना है, तो हम तोड़ेंगे कैसे, अब इसे हम कहीं ना कहीं ठोकेंगे तभी तो ये टूटेगी। तो मैं यहाँ पर इधर उधर ट्राई कर लेता हूँ ठोक ठाक के कि ये टूटती नहीं है, भाई ये लोहे की बनी हुई है यार, जैसे ये तो टूट ही नहीं रही है। तो हम यहाँ पर फुल स्पीड लेके जाएंगे यहाँ से, मतलब उल्टा सीधा जगह कहीं पर भी हमें इसे ठोकना है कि इसके जो पार्ट हैं वो टूट जाएं। फिलहाल देखो भाई यहाँ पर ये तो पेड़ को उखाड़ दी यार, बट टूटी ही नहीं। चलो हम आगे और ट्राई करेंगे, शायद ये टूट जाएगी। तो आई थिंक यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये देख लेता हूँ, इस रैंप पे चढ़ाते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर रैंप पे चढ़ाया। अब देखो भाई इसका एक पार्ट तो अलग हो गया है, अभी हम इसका कलर चेंज करके देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसका एक पार्ट अलग हो गया, और भाई देखते हैं क्या दूसरा पार्ट भी अलग होगा। भाई दो पार्ट इसके अलग हो गए, ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं। तो यह मिथ जो है वो कन्फर्म हो जाएगा या फिर बस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, ठीक है। हम इसके पास आए एंड यहाँ पर फोन निकाला, कलर चेंजिंग वाले ऑप्शन में आए, यानी मैंने यहाँ पर इसका येलो कलर कर दिया। भाई देखो सभी का कलर येलो हो गया है, जो भी टूटे हुए पार्ट थे, आई थिंक ये वाला वर्क करता है, ये मिथ कंफर्म है। अब चलो हम नेक्स्ट मिथ की ओर बढ़ते हैं। तो भाई ने पूछा है, साइकिल को प्लेन के दरवाजे के पास चिपका के खड़ा करो और फिर ड्राइव करो। तो आगे भाई कहते हैं कि यार ट्रैक्टर ऐड कर दो गेम में। तो भाई चलो हम यहाँ पर पहले आपका मिथ ट्राई कर लेते हैं, ट्रैक्टर वगैरह बाद में देखेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से प्लेन स्पॉन करा रखा है, अब मैं यहाँ पर साइकिल को इस प्लेन के जस्ट बगल में इस लगा दूंगा, मतलब जहां से इसका इंटर एंड एग्जिट जो डोर का ऑप्शन है वो आता है, ठीक है, मैं यहां पर लगा देता हूं इसी के जस्ट पास में। अभी मैंने यहां पर लगा दिया है, अब मैं इस साइकिल से जस्ट उतर जाऊंगा, मैंने यहां पर उतर चुका हूं। एंड अभी मैं थोड़ा सा आगे जाके देखता हूं, तो भाई दोनों ऑप्शन आ चुके हैं, साइकिल के अंदर बैठने का एंड प्लेन के अंदर बैठने का। जैसे भाई मैंने उस पर टैप करा, देखो भाई कौन सा ग्लिच हो गया, मतलब ये भी कन्फर्म है यार, कैसे कैसे इनविजिबल ग्लिच हो रहा है। देखो भाई हमारा कैरेक्टर कैसे यार चला रहा है,
रहा है हमारी साइकिल को, एंड प्लेन तो भाई ऑटोमेटिक जा रही है। देखो हमारा कैमरा एंगल भी मूव करता हुआ चला गया, मतलब प्लेन तो भाई आसमान में उड़ रही है। एंड यहाँ पर ये वाला ग्लिच हो गया। आई थिंक आज के इस वीडियो में आपको जितने भी ग्लिच बता सकता था आई थिंक आपको बता चुका हूँ। और आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, और अगर जो आपके कोई मिथ हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे मिथ ट्राई करूंगा। तो फिलहाल गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।